हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। लोक प्रशासन का परिचय इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस पेपर की लेक्चर सीरीज के हमने सक्सेसफुली 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे F.W. टेलर को, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत लोक प्रशासन के सिद्धांतों में एक ऐसा नींव का पत्थर है जिसने लोक प्रशासन को न केवल एक विषय के रूप में मान्यता दिलाई बल्कि लोक प्रशासन को एक साइंटिफिक टेक्निकली और इस विषय की विषय वस्तु के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को हम डिटेल से समझेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर F.W. टेलर के एक छोटे से ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद। तो हम इस सिद्धांत और सिद्धांत के सिद्धांतकार के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो F.W. टेलर ने किया था, ये अभी हमने देखा। इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम है टेलरवाद और थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी से हम बोलते हैं। यह लोक प्रशासन का पहला व्यवस्थित सिद्धांत था। ऐसा नहीं कि इससे पहले सिद्धांत नहीं आए थे, पर यह सिद्धांत ऐसा था जो पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करके बनाया गया था, तो इसे पहला सिस्टमेटिक थ्योरी कहा जाता है। फिर इसका मूल सार ये है कि संगठन की दक्षता को बढ़ाने के लिए और वैज्ञानिक तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, यही वैज्ञानिक प्रबंध है। प्रबंध के पिता इसी वजह से F.W. टेलर को कहते हैं। मैनेजमेंट के फादर इज F.W. टेलर। यहाँ इस लेक्चर सीरीज के जो कीवर्ड्स हैं वो है मानसिक क्रांति, भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था। तो ये कीवर्ड्स आप दिमाग में रखेंगे और इनको याद रखें। टेलर के बारे में बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। F.W. टेलर जो थे उनका जन्म पेंसिल्वेनिया जर्मनी में हुआ था 1856 में 20 मार्च को, और उन्होंने उसके बाद फिलाडेल्फिया में इंटर्नशिप पे कार्य करना शुरू किया। तो शुरू में तो उन्होंने वह कार्य बिना किसी वेतन के किया। उसके बाद उनका काम देखने के बाद उन्हें प्रमोशंस मिले और 1884 में वे चीफ इंजीनियर, 1890 में जनरल मैनेजर बन गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संगठन में जब उन्होंने कार्य होते हुए देखा, उसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आई, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन करने के लिए उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने संगठन में समहाउ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सलूशन देने के लिए, संगठन की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान किए। उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं संगठन को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तभी हम उसके लिए उत्पादन बढ़ा सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद उन्होंने 1911 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी लोक प्रबंधन के सिद्धांत। इसी पेपर में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि कैसे हम संगठन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, और उसका जवाब इस मूल सार में है कि वैज्ञानिक तकनीकों और पद्धतियों का प्रयोग करके। तो चलिए समझते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत क्या है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को हम चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले तो जो टेलर हैं वो अपने वहां जहाँ काम करते थे वहां उन्होंने स्टडी करके ये देखा कि उत्पादन कम होने के कारण क्या है। फिर उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुमान क्या लगाए जा सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसका प्रबंधन करें। फिर इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और फिर बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें क्या होनी चाहिए। फिर तो शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट से जिसमें F.W. टेलर उत्पादन कम होने के कारणों की पहचान करते हैं, जिसमें पहला कारण है सोलिडेरिंग। तो सोलिडेरिंग में दो तरीके की सोलिडेरिंग की ये बात करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सोलिडेरिंग होता क्या है। जैसे सोल्जर्स होते हैं उनका जो काम होता है फिक्स होता है, तो सेना में उनको कुछ निश्चित कार्य दिए जाते हैं, वो निश्चित कार्य वो करते रहते हैं। शॉर्ट में कि अगर किसी एक काम को जो बहुत छोटा है उस काम को बहुत लंबे समय तक किया जाए तो उसे सोलिडेरिंग कहेंगे। कि सैनिकों के पास एक काम होता है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स और पूरे टाइम उनको वो ही काम करना होता है, तो एक काम को लंबे समय तक खींचते जाना इसको सोलिडेरिंग बोलते हैं। सोलिडेरिंग दो तरीके से देखी गई, एक होती है नेचुरल सोलिडेरिंग, दूसरी होती है सिस्टमेटिक सोलिडेरिंग। नेचुरल सोलिडेरिंग जो कि अपने आप हो जाती है, जैसे मजदूरों को गर्मी लगी या थकान हुई
या उनको खाना नहीं मिला या बीमार हो गए, तो उससे क्या होता है, उनको एक कार्य करने में बहुत लंबा समय लगता है। ये हुई नेचुरल सॉलिडेरिंग, यानी प्राकृतिक रूप से ही सॉलिडेरिंग हो गई। दूसरा है सिस्टमेटिक सॉलिडेरिंग, यानी जानबूझकर जो श्रमिक हैं वो किसी काम को करने में अधिक समय लगाते हैं। जैसे कि अगर एक मजदूर को कहा जाए कि तुम रोज आओ, तुम्हें वेतन मिलेगा, काम चाहे हो ना हो, तो वो रोज आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, अपना वेतन ले लेगा, लेकिन काम तो नहीं होगा, तो इस तरीके से उत्पादन तो होगा नहीं। जब मजदूर जानबूझकर खाली अटेंडेंस लगा के और काम को धीरे करने की कोशिश करता है या नहीं करता है, तो उसे सिस्टमैटिक सॉलिडेरिंग कहते हैं। तो दो तरीके से इन्होंने बताया कि सॉलिडेरिंग होती है, जिससे कि उत्पादन कम हो जाता है। फिर इन्होंने बताया कि वेतन के लिए कार्य, जब मजदूर को ये लगता है कि मुझे तो जो भी काम है मुझे अपने वेतन के लिए करना है, मुझे संगठन के लिए कुछ नहीं करना है, प्रोडक्शन बढ़े नहीं पढ़े या उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो, उससे मुझे तो कोई लेना देना है नहीं, मुझे अपना कार्य करने के जो यूनिट्स हैं, जो टाइम है, वो मुझे स्पेंड करना है और मुझे चले जाना है। ये किस वजह से होता है? ये होता है कि जब मैनेजर्स वर्कर पे ध्यान नहीं देते, मैनेजर कोई प्लानिंग नहीं बनाते, कोई डायरेक्शन नहीं देते, तो जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, उनको पता नहीं होता कैसे करना होता है, वो आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं, तो इस वजह से भी उत्पादन कम होता है। ये दो कारण इन्होंने देखे कि उत्पादन कम होने के कारणों की पहचान। तो यह सबसे पहले टेलर प्रॉब्लम की पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संगठन में दिक्कत क्या है। इसी वजह से टेलर को बहुत साइंटिफिक माना जाता है इनकी स्टडी को, कि सबसे पहले इन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी, फिर उन्होंने अनुमान लगाए कि कैसे सॉल्व किया जाए, फिर उन्होंने सिद्धांत दिए और फिर उन्होंने तकनीकें बताई। तो जब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो वो ये है कि फिर F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध का अनुमान लगाते हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जब इन्होंने यहाँ प्रॉब्लम देख ली कि सॉलिडेरिंग की वजह से या वेतन मिलने के कारण की वजह से जो मजदूर हैं वो उत्पादन कम कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। इन्होंने फिर वैज्ञानिक तकनीकों का सुझाव दिया। दूसरा अनुमान इन्होंने ये लगाया कि अच्छा श्रमिक आदेश प्राप्त करता है, न कि स्वयं कार्य करना प्रारंभ करता है। एक जो श्रमिक होता है वह संगठन में जाके ये नहीं कि अपने हिसाब से कार्य करने लग जाएगा, उसे यहाँ देखिए मैनेजर से उसे प्लानिंग चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, अपने मैनेजर से, अपने प्रबंधक से आदेश प्राप्त करता है और उस आदेश के अनुसार कार्य करता है। फिर जितने भी श्रमिक हैं उनके बारे में F.W. टेलर कहते हैं कि सभी श्रमिक आर्थिक व्यक्ति होते हैं। यानी अब देखिए कोई भी इंसान है वो फ्री के लिए कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वह उसे भी अपने जीवन को पालने के लिए, अपने परिवार के लिए उसे भी पैसों की जरूरत होती है। तो जो पैसे हैं उसी के लिए श्रमिक कार्य करता है और उसी से उसका घर चलता है। आर्थिक तत्व हर किसी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, वैसे ही श्रमिक भी आर्थिक व्यक्ति होता है। फिर ये अनुमान लगाने के बाद F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के फिर चार सिद्धांत इन्होंने बताए कि ये उत्पादन बढ़ाने के लिए जो वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग इन्होंने अनुमान लगाया था, तो इन्होंने इसके सिद्धांत दिए। फिर टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के चार मूल सिद्धांत देते हैं, जिन चार मूल सिद्धांतों को एक साथ टेलरवाद कहा गया, टेलरिज्म कहा गया। तो ये चार सिद्धांत क्या है? वे ये है कि विज्ञान न कि अंगूठा टेक प्रणाली, यानी कार्य के सच्चे विज्ञान का विकास, यानी कोई भी कार्य यदि होता है तो उसका सच्चा विज्ञान होना चाहिए, उसको वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि अंगूठा टेक प्रणाली से। अंगूठा टेक प्रणाली पहले जब टेलर ने अपने संगठन में देखा कि मजदूर आता था, अंगूठा लगा के अपनी अटेंडेंस करता था और काम हो जाता था, तो ऐसा ना हो कि एक सच्चे विज्ञान का विकास किया जाए, यानी ऑब्जर्वेशन हो और जो मजदूर हैं उनको आप आगे देखिएगा कि जिसमें ये बहुत सारी तकनीकें बताते हैं, इन तकनीकों के प्रयोग से कैसे मजदूरों की स्थिति को और संगठन की स्थिति को सुधारा जाए, तो उसे भी बोलते हैं विज्ञान का विकास करना होगा संगठन में। दूसरा बोलते हैं कि भाईचारा न कि द्वेष, इसमें वे सहयोग की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, प्रबंधक और श्रमिकों के बीच आपस में या और श्रमिकों का आपस में भाईचारे की बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें द्वेष एक दूसरे के प्रति ना होके एक दूसरे का कल्याण और एक दूसरे को
समृद्धि की ओर ले जाने की भावना संगठन में होना चाहिए। तीसरा ये कहते हैं सहयोग न कि व्यक्तिवाद। प्रबंधक में और श्रमिकों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और उन्हें अपने स्वयं के निजी स्वार्थ के लिए कार्य न करके पूरे संगठन के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कार्य के विज्ञान की उपस्थिति कहते हैं। चौथा पॉइंट वो बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति का विकास में अधिक दक्षता व समृद्धि हो, यानी ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति का विकास हो, दक्षता हो व समृद्धि हो, यानी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, पद्धतियों का प्रयोग किया जाए जिसमें सभी का विकास हो, यानी प्रबंधक का भी विकास हो और मजदूरों का भी, श्रमिकों का भी। फिर कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें इन्होंने बताई कि वैज्ञानिक प्रबंधन के आपने सिद्धांत तो दे दिए, लेकिन इन सिद्धांतों को हम वास्तविक रूप से कैसे संगठन में लाएंगे, तो इसकी तकनीकें इन्होंने दी है। पहली तकनीक है कार्यात्मक फोरमैनशिप, यानी संगठन का कार्य करने के लिए चार चार इन्होंने फोरमैन रखे, यानी नायकों की व्यवस्था की कि इन्होंने कहा कि संगठन के कार्यों को दो भागों में बांट के हर भाग को चार चार फोरमैन के में बांट देना चाहिए और उनमें भी इन्होंने चारों फोरमैन को अलग अलग कार्य दिए जिसे हम भी आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने कहा मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, हर काम का, हर मशीन की स्थिति का, उपकरण का, कार्यस्थल की परिस्थितियों का एक स्टैंडर्ड तय करना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा सरलीकरण, किसी भी काम को कॉम्प्लेक्स तरीके से ना करके उसको इजी तरीके से करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर कहते हैं कार्य पद्धति का वैज्ञानिक अध्ययन, कोई भी वैज्ञानिक कार्य पद्धति जिसका संगठन में इस्तेमाल किया जाए उसका वैज्ञानिक अध्ययन पहले किया जाना चाहिए कि वह संगठन पे कैसा प्रभाव डालेगी, उससे उत्पादन में क्या प्रभाव होगा, उसका बिल्कुल साइंटिफिक अध्ययन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि भिन्नात्मक वेतन प्रणाली, यानी कोई मजदूर है या कारखाने में काम करने वाला श्रमिक है उसको जो वेतन मिले वह उसके कार्य के अनुसार मिलना चाहिए। अगर वह कारखाने में जो समय बिताता है उसके अनुसार ना मिलके जितना वह काम कर रहा है उसे वैसे वेतन मिले। फिर वे बात करते हैं मानसिक क्रांति की, तो जब प्रबंधक और श्रमिक दोनों एक साथ संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संगठन के लाभ के लिए कार्य करते हैं तो इस स्थिति को मानसिक क्रांति की स्थिति कहते हैं। तो ये हमने देखा कि वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत इन शॉर्ट क्या कहता है अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, जिसमें हमने ये चारों इस सिद्धांत को चार भागों में बांट के देख लिया है। अब हम इसकी जो डिटेल स्टडी है वैज्ञानिक प्रबंधन के चार मूल सिद्धांतों की, वो डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।